नमस्कार, दिनभर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं निष्ठा। शुरुआत हेडलाइन से। आतंकवाद का धर्म बताने वाला पहला देश बना श्रीलंका, सभी मस्जिदें और मदरसे किए बंद। मतलब हम लोगों को हिट कर रहे हैं, हमारे ऑनर नहीं रहने दे रही है, हमें कह रही है कि निकलो घर से आप लोग यहाँ से। परेशानी है कि जो बम धमाके हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उनकी वजह से हमें जो श्रीलंकन लोकल हैं उन्होंने हमारे घर पर अटैक किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने के सवाल पर उनके बेटे और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब में स्पष्ट तौर पर न तो ना कहा और ना ही हाँ कहा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का समर्थन के बारे में पुनर्विचार करने के बयान के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि अगर कोई गलतफहमी होती है तो उसे दूर कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा और हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में बुधवार शाम एक युवक ने घर में घुसकर डीएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी। लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव प्रचार करने पर इलेक्शन कमीशन ने 72 घंटे यानी 3 दिन का बैन लगा दिया है।